Subscribe to my YouTube channel Heartfulness Om and press the bell icon to watch my latest videos. Hi everyone, welcome to my channel Heartfulness Om. कैसे हैं आप सब? I hope आप सबको मेरी videos अच्छी लग रही होंगी. Comment करके जरूर बताइएगा. पुराने videos पे तो काफ़ी अच्छे comments भी आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी videos को आप लोग देख रहे हो और पसंद कर रहे हैं. लेटेस्ट वीडियोज़ को भी प्लीज़ जरूर देखिए और बताएँ अपने कमेंट्स. आज आपके साथ मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक लिक्विड आई लाइनर. ये है नैना का, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नहीं है बट मैंने इसे परचेज़ किया. मैं इसे यूज़ करना चाहती थी. बोतल पे लिखा हुआ है कि ये वाटरप्रूफ है बट ऐसा मुझे लगा नहीं वाटरप्रूफ ये. इसका प्राइस 40 रुपीज़ है. ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से ही हम लोग उसकी जो भी उसकी क्वालिटीज़ होती है एक्सपेक्टेशन हम उतनी रखते हैं. अगर इसका रुपीज़ 40 रुपीज़ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा होगा और कितना बुरा होगा. 400-500 रुपीज़ की प्रोडक्ट रहती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है. तो उसी हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ और एंड में उसको उसी हिसाब से मार्क्स देती हूँ. तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं पर अच्छे मार्क्स दे रही हूँ कोई इतनी भी अच्छी ब्रांड को नहीं हो, तो आप ये सुनिए सोचिए कि वो प्रोडक्ट इतने कम प्राइस की स्टील आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे रही है, तो उसे मार्क्स अच्छे मिलना जाहिर सी बात है. तो ये जो मैंने प्रोडक्ट ली थी मतलब इसे मैंने आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. बीच बीच में लगाती थी, रेगुलर नहीं. जब मैंने इसे लगाया तो इसका जो ब्रश था वो थोड़ा अच्छा नहीं था, बट इसका जो हैंडल करने का तरीका, मतलब हम इसे ऐसे आईलाइनर लगाते हैं ना, तो हैंडल करने की पोजीशन टाइप अच्छा था. मतलब डिफ़िकल्टी नहीं हुई, अनकम्फर्टेबल नहीं मुझे फील हुआ. आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल टू अप्लाई दिस लाइनर ऑन माई आईज. इसका सेकेंडली इसका जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी अच्छा है. इफ़ यू डोंट टच योर आईज़ होल डे और ज़्यादा मतलब पानी वाली जगह पे नहीं जा रहे हो, ऐसे माहौल में नहीं जा रहे हो, बहुत गर्मी पड़ रही है, पसीना पड़ रहा, तो ये काफ़ी देर तक स्ट्रे करता है. लाइक 5 to 6 आवर्स तक ये आपकी आंखों में रहेगा. और मतलब काफ़ी बहुत 40 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा मुझे. वाटरप्रूफ नहीं है. और अब मैंने अपने हाथों पे इसे आपको मैं दिखा रही हूँ वीडियो में कि मैंने जब इसे अपने हाथों पे लगाया जस्ट ऐसे ही, उसके बाद इसको थोड़ा सा मसाज किया, काफ़ी देर तक रह रहा था, ये हाथों से निकल भी गया. इसका मतलब ये है कि जब आप शाम को इसे अपने आंखों से रिमूव करेंगे तो अगर आप हाथ इसको आपको मतलब रिमूवर यूज़ करने की जरूरत नहीं, मेकअप रिमूवर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने हाथों से भी इसे ईजिली रिमूव करके फेस वॉश कर सकते हैं, तो कहीं मैसअप भी नहीं होगा. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. बट हाँ, ये है कि अगर आप किसी मतलब ऐसे फंक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपको आईलाइनर बहुत हाईलाइट करना है, दिखाना है, तो हाँ उसके लिए नहीं है. बट एक छोटी मोटी देर के लिए लिक्विड आईलाइनर ये काफ़ी अच्छा है और आपकी आंखों पे स्टे भी काफ़ी देर तक करेगा. मैं इसे 10 में से 7 मार्क्स दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ये अच्छा था. मतलब बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा, ओह माय गॉड मैं एक बार यूज़ करके इसे परेशान होगी, नहीं. मैंने इसे यूज़ किया और मैं मतलब मैं कहीं छोटी मोटी जगह मुझे जाना था कोई 1-2 घंटे के लिए, तो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ और इजीली रिमूव भी हो जाता है ये. और 10 ml मिल रहा है आपको इसकी क्वांटिटी 40 रुपीज़ में. पैकेजिंग भी अच्छी है. ओनली थिंग आई डिडंट लाइक अबाउट दिस कि जो इसका जो ब्रश है वो थोड़ा सा ना ख़राब सा था पीस, लिटिल बिट, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो हो के रहा था कि लगाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती. विंगेट टाइप का हमारा जो लाइनर होता है वैसा नहीं लग रहा था, अदरवाइज सब कुछ ठीक था. तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगे तो आप परचेज़ करके यूज़ करिएगा. ये प्रोडक्ट मैंने अपने पैसों से परचेज़ किया. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो और टिल नाउ आई हैवन डन एनी स्पॉन्सर वीडियो. अगर आप मुझे चाहे तो फॉलो करें इंस्टाग्राम पे @heartfulness_om. अगर आप मेरे से टच में रहना चाहते हो, मेरे लाइफस्टाइल देखना चाहते हो उसके लिए, और मेरी और वीडियोस देखें मेरे चैनल पे जाके, जैसे कि कुकिंग, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, हेयर केयर, मेरे व्लॉग्स, यूज़ फॉर टेस्ट लाइफ, रिलीजियस वीडियोस. और या अपनी नई वीडियो में आपको जल्दी ही मिलती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड बाय बाय.